हिंदू राष्ट्र के पक्ष और विपक्ष की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 3 दिन पहले के मौलाना तौकीर रजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया है वो केवल हिंदू राष्ट्र है। तौकीर रजा को पता होना चाहिए, 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। इससे पहले इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है तो खालिस्तान की मांग करना भी जायज है, उसकी भी हिमायत की जाएगी। इसके आगे बढ़ते हुए तौकीर रजा ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की वकालत भी की। हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बताते हुए कहा था, सरकार को खालिस्तान की मांग करने वालों के जैसी ही कार्रवाई हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर भी करनी चाहिए।